अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे बात करेंगे और इससे पहले हमने बिट वाइज ऑपरेटर पे बात की थी, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग ऑपरेटर जो प्लस का साइन है, ये एज अ स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, एक तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी काम आता है। ठीक है, वहाँ पर ये एडिशन करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे जब हमने बात की थी तो वहाँ पे हमने एडिशन की थी, सिंपली ये है एडिशन। लेकिन इसको आप दो स्ट्रिंग्स को कॉनकॉटिनेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉनकॉटिनेट का मतलब ये कि दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, ये आपने जब अपने कंप्यूटर साइंस की थ्योरी में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी होगी सब्जेक्ट, तो हमने तो वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम कॉनकॉटिनेट का वर्ड वहाँ पर यूज होता था। तो कॉनकॉटिनेट का मतलब है कि दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, अब ये देखें, सिंपली मैंने क्या किया है। ठीक है, वेरिएबल मैंने ए लिया है और उसमें मैंने एक इस तरह का स्ट्रिंग एक स्टेटमेंट पास करवाई है यहाँ पे। ठीक है, माई नेम इज़ फैसल कलीम। ठीक है, इस तरह से मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया है और फिर मैंने स्ट्रिंग्स को, ठीक है, एक स्ट्रिंग मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब मैंने फैसल को कलीम से अब मैंने जोड़ना है, तो मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर मैं इसको नहीं करूँगा, ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपली यहाँ से प्लस का साइन रिमूव करूँ, ठीक है, तो देखिएगा एरर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मुझे एरर दे, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो सब गायब हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी तरह आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास, ठीक है, तो ये इसी तरह आपके पास ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब अगर मैं दोबारा से इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, अब अगर यहाँ मैं दोबारा से लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ दोबारा से आ गई उसी तरह से, यहाँ राइट साइड पे आप देखें। ठीक है, फिर अपन एक और स्टेटमेंट ले ली, ठीक है, वी और लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये देखें वी और लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब मैंने इन सब को आपस में कॉनकॉटिनेट किया है। ठीक है, इन सबको मैंने जोड़ दिया है, पीसेस को जोड़ देना। ठीक है, मैंने स्मॉल पीसेस लिए हैं, उन स्मॉल पीसेस को और अपनी मर्जी से पीसेस लिए हैं, एक स्मॉल लिया, एक उससे लार्ज लिया है। ठीक है, तो उन पीसेस को मैंने जोड़ दिया है प्लस का साइन यूज करते हुए। ठीक है, इस तरह से आपने अपने माइंड में रखनी है ये बात। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो आपके पास शो हो रहा है, ये मैं इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ए को मैंने प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे ये आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मार्क्स का। ठीक है, मैं इसको जब, ठीक है, आपके सामने ये मैंने मार्क्स ले लिए 100। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, मार्क्स का, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 100। ठीक है, 100 वैल्यू मैंने असाइन कर दी है और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। ठीक है, अब मैं आगे चल के इसको यूज़ भी करता हूँ। ठीक है, ये अब मैंने वेरिएबल ले लिया, अब ये वेरिएबल मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट में दोबारा यूज़ करूँगा। ये देखें, यहाँ पे मैं आई गॉट, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने मार्क्स लगाए, ये वेरिएबल मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आई मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब इस तरह का, अब मैंने ये एक सी वेरिएबल बना दिया है और इस सी वेरिएबल के अंदर मैंने ये जो ऊपर वाला जो मार्क्स था, ये वेरिएबल यूज़ किया है। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसको प्रिंट करवा हूं। ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूं, तो ये देखें, यहां आपके राइट साइड पे क्या आ गया, आई गॉट 100 मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो सिंपली मार्क्स की वैल्यू थी, ठीक है, जो मैंने इसको असाइन की थी, ठीक है, इसने वहां से उठा ली और बाकी चीजें उसने उसी तरह प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब आप मार्क्स को यहां पर चेंज करेंगे तो आपके पास वहाँ पे चेंज हो जाएगा, 50 है। ठीक है, तो आई गॉट 50 मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये आप देखें राइट साइड पे चेंज हो रहा है, और आप अगर इधर 40 करना चाहें तो राइट साइड पे आप देखिएगा, राइट साइड पे 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, आप पीसीएस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब मार्क्स यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्क्स चेंज हो सकते हैं हर किसी के। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस स्ट्रिंग ऑपरेटर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली, ठीक है, अब आप एक और, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, और इसके एक और एग्जांपल में आपके पास क्या है, डी है
और 9, ठीक है। अब इसी तरह इसको हम मींस ये जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, इसी तरह भी हम इनको जो है वो कर सकते हैं, कॉन्कटिनेट भी कर सकते हैं। डी वेरिएबल लिया 5 प्लस 9, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा, 5 और 9, ठीक है, 5 और 9, ये 59 नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, 5 और 9। इसी तरह ये दो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, उनको भी आप इस तरह से कॉन्कटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो सिंपली होगा ना, मींस ठीक है, वेरिएबल लिया मैंने ई आपके सामने, अगर जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये लिया मैंने और सिंपली मैंने इसको अगर कह दिया यहाँ पे 59 और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं अब देखिएगा यहाँ पे अभी यहाँ पे डी प्रिंट हो रहा है राइट साइड पे, ठीक है। अभी जब मैं उसको वेरिएबल ई कह दूंगा, ठीक है, वेरिएबल ई में प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 59, ठीक है। अब ये देखिए इस 59 और उसमें डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैं दोबारा डी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 9 इस तरह से, मींस मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से दो चीज़ों को आप आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप स्ट्रिंग हो, नंबर्स हो, ठीक है, आप नंबर्स को वेरिएबल में स्टोर करके और फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आप जो है उस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑपरेटर पे बात करेंगे कि टाइप ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह मुझे सपोर्ट करें और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।